हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस एस्ट्रोलॉजी चैनल में। बात करेंगे आज न्यूमरोलॉजी नंबर 4 की। अगर आपका नंबर 4 है, क्या क्या ट्रेड्स होंगे, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं लाइफ में आपके साथ साथ, ये सब हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप एक नंबर 7 को देख के ये नहीं पता लगा सकते कि आपके ट्रेड्स कैसे हैं या आपका ईयर कैसा होगा या आपकी लाइफ कैसी होगी। उसके लिए आपको सारे नंबर्स को चेक करना होगा जो कि आपकी सारी की सारी डेट ऑफ बर्थ में आते हैं। सपोज़ आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17/11/1995, तो इसमें 7 काउंट होगा, 7 काउंट होगा, 9 काउंट होगा, 5 काउंट होगा। तो इस चीज़ को देखते हुए डिसाइड होता है कि आपको मतलब टोटल प्रेडिक्शन क्या होगी। बट इन सब में जाने से पहले हमें ये देखना होता है कि नंबर वाइज हमें पता होना चाहिए कि क्या नंबर कौन सा नंबर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, क्या ट्रेड्स होते हैं, कब वो नंबर पॉजिटिव बन जाता है, कब वो नंबर नेगेटिव बन जाता है। बात करेंगे न्यूमरोलॉजी नंबर 7 की। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं और अगर आपको पूरा ये समझना है कॉम्बिनेशन, तो आपको पहले पुराने वीडियो देखने होंगे। बेशक आप वो वीडियोस देख लीजिए जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में आते हैं, तो वहाँ से आपको हेल्प हो जाएगी। आगे आप सिंपल 7 को देख के ये नहीं डिसाइड करेंगे कि आपकी डेस्टिनी कैसी होगी या फिर आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। उसके लिए डिपेंड करेगा कि नंबर का कॉम्बिनेशन कैसा बन रहा है, 7 का कॉम्बिनेशन किस किस नंबर के साथ बन रहा है, ये हम देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अब आगे बढ़ते हैं इसके साथ। देखिए, ये मैंने कल जैसे पुराने वीडियोज़ में मैंने बताया था कि ये डेट, मंथ और ईयर है। अगर आप डेट दोनों डेट को प्लस कर लेंगे तो आपका बेसिक नंबर आ जाएगा, और जो इन सारे नंबर्स का सम कर लेंगे जो आपकी डेट, मंथ और ईयर में आते हैं, तो वही डेस्टिनी नंबर बनेगा। बेसिक नंबर एक्टिवेट होता है आपके 30 ईयर्स से पहले, डेस्टिनी नंबर होता है आपके 30 ईयर्स के बाद जनरली। नंबर 7, जैसा कि हमने देखा था कि सारे नंबर किसी ना किसी प्लैनेट के साथ रिलेशन रखते हैं, वैसे ही नंबर 7 रिलेशन रखता है केतु के साथ। केतु के साथ जो कि 7 नंबर होता है, नंबर ऑफ लक। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे 7 आता है और क्या इन दो का सम करके जो आपकी डेट ऑफ बर्थ को उसका नंबर 7 बनता है, तो आपका बेसिक नंबर 7 है। और अगर टोटल करके आता है 7, तो डेस्टिनी नंबर 7 है। सबसे बड़ी बात, जो 7 नंबर होता है, जो जातक होते हैं जिनका डेस्टिनी नंबर 7, तो पहली चीज़ है काफ़ी लकी होते हैं, ट्रैवल्स काफ़ी होते हैं इनके, नॉलेज इन्हें काफ़ी अच्छी होती है, स्पिरिचुअल नॉलेज होती है इनको काफ़ी अच्छी, और काफ़ी सुलझे हुए लोग होते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि 77 नहीं होना चाहिए, 777 नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा 777 777 हो जाएगा, उतना ही लोग ज़्यादा चीज़ें, मतलब आप कह सकते हैं कि ये और रिसर्च में लग जाते हैं आपके आगे। मतलब किसी की अगर बाल की खाल निकालने वाली अगर बात कहें, तो अगर मल्टीपल 7 आपके नंबर में आते हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आते हैं, तो वो कंडीशन आई है। अगर 7 का फिर आगे अकेले आप डिसाइड नहीं कर सकते कि 7 नंबर ये है कि आपको पूरा लक एंड ऑल ये सब मिल जाएगा। डिपेंड करेगा कि 7 का कॉम्बिनेशन किसके साथ बन रहा है। ऑल दो इन जनरल अगर हम बात करें, तो 7 नंबर के जो लोग होते हैं वो काफ़ी लकी होते हैं, चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, काम इनके बहुत आसानी से बन जाते हैं, ऑब्स्टेकल बहुत कम रहती है, ट्रैवल्स रहती हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होती हैं। बस इतना ध्यान होना चाहिए कि 777 नहीं आना चाहिए। 777 आता है तो सारी प्रॉपर्टीज़ अपोजिट हो जाती हैं, नेगेटिव हो जाती हैं। काफ़ी ये लोग बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ये एक ऐसे लोग होते हैं जिनमें जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, और किसी भी चीज़ को मतलब बाल की खाल निकालने वाली बात जैसे मैंने पहले बोली थी, वो सब बातें आ जाती हैं। इसके साथ जब आप सम करेंगे, इसका डेस्टिनी नंबर आएगा, डेस्टिनी नंबर से और इस सब के कॉम्बिनेशन से डिफाइन होगा कि ये आपको टोटली कैसा रिजल्ट देगा। डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट नंबर आपके उसमें आएंगे। आगे हम देखेंगे कि ईयर नंबर कैसे निकालते हैं, या आपका अभी कौन से नंबर की आपको महादशा चल रही है, तो वो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो प्लीज़ बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपका नंबर 7 है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि क्या आपके अंदर ये ट्रेड्स हैं। अगर 777 है तो आपको ये देखना होगा। लेकिन इन जनरल अगर मैं बात करूँ, तो 7 नंबर के लोग काफ़ी लकी होते हैं, काफ़ी अगर आप कहें तो इनमें से ज़्यादातर लोग फॉरेन ट्रैवल, इनकी ट्रैवल्स बहुत होती है जनरली, एक आपकी लोकेशन से बहुत, मतलब बाकी कॉम्बिनेशन को अगर मैं अभी छोड़ दूँ, तो ये लोग आप मतलब इंडिया से बाहर काफ़ी सेटल होते हैं। अगर चाहें तो इनको वीज़ा और पीआर भी बहुत आसानी से मिल जाता है।
तो फ्रेंड्स बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नंबर अगर आपका 7 है तो क्या आपके अंदर ये सब ट्रेड्स हैं। बाकी आगे डिस्कस करेंगे कि 7 का कॉम्बिनेशन किसके साथ कैसा होता है। सब मैं एक जनरल एग्जांपल दे देता हूँ, 6 और 5 के साथ अगर 7 का कॉम्बिनेशन हो गया आपको लग्जरियस लाइफ दे देगा। इतनी लग्जरी होगी कि शायद दुनिया की कोई ऐसी लग्जरी होगी जो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, डिपेंडिंग अपॉन योर चार्ट ऑल्सो। चार्ट को भी देखना होगा, चार्ट में भी ऐसे कॉम्बिनेशन होने चाहिए जो कि इस चीज़ को लीड करते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में अगर 6-7-5 बन रहा है तो बहुत लग्जरियस लाइफ आपकी होगी। तो प्लीज़ आगे चल के हम डिस्कस करेंगे ये सब चीज़ें इन डीप। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, जो कि हम लाइव सेशन करते रहते हैं, तो आप लाइव सेशन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी जो आपका क्वेश्चन है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।